कोरोना के चैन तोड़ने के लिए विजयपुर प्रशासन व सख्त सभी रास्तों को बैरिकेटिंग लगा कर किया गया सील। कोविड 19 का उल्लंघन करने वाले 42 लोगों पर 11,700 रुपए का जुर्माना वसूला। जिले के विजयपुर तहसील में आज एसडीएम नीरज शर्मा, तहसीलदार शिवराज मीणा, एसडीओपी निर्भय सिंह अलावा नगर परिषद के मुख्य केएल करौलिया, महिला बाल विकास के अधिकारी राघवेंद्र सिंह धाकड़, एसआई संदीप यादव की संयुक्त कार्रवाई के दौरान बिना मास्क घूम रहे व्यक्तियों एवं दोपहिया वाहन बिना अनुमति दुकान खोलने वाले दुकानदारों पर आज प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में 42 लोगों पर 11,700 का चालान वसूला गया। उन लोगों को समझाइश दी गई, घर पर रहें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, अनावश्यक रूप से बाजार में न आए। इसी के साथ ही बढ़ते कोरोना महामारी को देखते हुए जिले में टोटल लॉकडाउन कर दिया गया। वहीं जिले के तहसील विजयपुर में प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए नगर में आवागमन न हो इसके लिए शहर के मेन चौराहों पर बैरिकेडिंग लगाकर सील कर दिया गया, जिससे कोरोना महामारी फैलने से निजात मिल सके। वहीं बाजार में दोपहिया वाहन एवं चार पहिया वाहनों पर लोग घूमते मिलने पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस प्रशासन ने जगह जगह पुलिस के जवान तैनात कर दिए। बेवजह घूम रहे लोगों को समझाए देकर घरों में रहने की अपील करते हुए फिर भी लोग घरों से बाहर घूमने निकल पड़ते हैं। जयपुर से जिला ब्यूरो दिलोक कुशवाहा की रिपोर्ट, उद्घोष समय।